गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है एरिस ग्रुप की, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक अपनी नई प्रोडक्ट के साथ में। इस प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और शायद यूज भी किया होगा, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट एक नए जरिए से, यानी कि यूएसपी का एक प्रोडक्ट है, यूएसबी पोर्ट पे चलने वाला, और उसको नई तरीके से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। और इसको बोलते हैं वीआई कर्व टेस्टर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एनालॉग सिग्नेचर एनालिसिस सिस्टम। तो पहले के समय में ये होता था कि जो ऑसिलोस्कोप था, ऑसिलोस्कोप से हम लोग ऐसी वीआई कर्व टेस्टर बना सकते थे, और वी आई कर्व टेस्टर से हम लोग उसके अंदर जो ऑसिलोस्कोप के साथ में एक अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता था, इसके अंदर अलग अलग वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसी और एम्पियर वो देने पड़ते थे, उसके बाद में वो ऑसिलोस्कोप के अंदर हमें कर्व सिग्नेचर बताता था। लेकिन उसके अंदर ये था कि आपके पास में उस आईसी का पूरा डेटा या फिर उस आईसी का पूरा कैरेक्टराइजेशन या फिर उसका सिग्नेचर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर सकते थे। उसका रीजन ये था कि आपको कब कहाँ पे कैसी फ्रीक्वेंसी देनी है, कितने एम्पियर देने हैं, कितने वोल्टेज देने हैं, इन सब के बारे में हमें पता नहीं है, तो वो ऑसिलोस्कोप से बना हुआ वीआई कर्व टेस्टर को हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ही चांसेस रहते हैं कि वो आईसी को या फिर उस कंपोनेंट को डैमेज कर सके। लेकिन अभी हमारे पास में एक नया, एक एडवांस टूल है जो कंसेप्ट वही है कि वो सिग्नेचर एनालिसिस करके देता है, लेकिन इसके अंदर एक बेस्ट फीचर्स है वो जो मुझे पसंद आया, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मेरे लिए फेवरेट बनी, और वो चीज है ऑटोमेटिक सिलेक्शन। यानी कि आपकी आईसी या फिर जो कोई भी कंपोनेंट अगर आप टेस्ट करते हो, उस कंपोनेंट को उसकी पर्टिकुलर पिन के ऊपर कितने वोल्टेज, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और कितने एम्पियर देना है, ये ऑटोमेटिकली ये डिवाइस डिटेक्ट करके और उतने ही उसको वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी देता है, जिसके कारण आपका बोर्ड सेफ रहता है। इस डिवाइस को हम लोग एज ए पीसीबी टेस्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये सभी इंडस्ट्रीज में ये यूज हो सकता है। लेकिन जब लैपटॉप और मदरबोर्ड के अंदर जब मैंने इसको यूज करना चाहा, तो मैंने पहले उसके लिए पहले सर्वे किया कि किसी ने अगर इसको यूज किया है लैपटॉप के अंदर या फिर मदरबोर्ड के अंदर, तो उसके कोई वीडियो मुझे मिल जाए, कोई फोरम के अंदर कहीं ना कहीं इसका कोई डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। इसके पीछे एक महीने मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एक बार इसको परचेज करके ही हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो 21st को, यानी कि आज से 12 दिन पहले मैंने इसको बाय किया, और 12 दिनों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद एरिस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे, लेकिन मैंने आपको इस 10 दिनों के दौरान आपको रिप्लाई भी नहीं किया है बहुत सारे मैसेजों का, क्योंकि मैं इसी के पीछे काम कर रहा था। तो अभी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये कैसे काम करता है, और इसको पीसीबी फॉल्ट फाइंडर के तौर पे हम लोग लैपटॉप मदरबोर्ड में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा नीलेश गांधी को, जिन्होंने ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आपके लिए सेटअप बना के रखा और बना के दिया और आपको हेल्प करते रहे। वैसे ही हमारे ग्रुप के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते रहते ऑफलाइन में, जो टेलीग्राम मैसेंजर वगैरह के द्वारा, जो हमारे सीनियर इंजीनियर अभी जो हो गए हैं, जो भी एरिस के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों ने, नए नए जो भी आते हैं उन सबको आप लोग हेल्प करते रहते हो, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। और इस मीटिंग को हम एक उस लेवल पे ले जाना चाहेंगे कि जहां पे आप इजीली फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो ऐसे टूलों के द्वारा। ऐसे बहुत सारे आगे भी टूल्स आएंगे या फिर ऐसी कोई भी चीजें आएगी जो मैं आपके सामने ऐसे ही प्रेजेंट करता रहूंगा। तो हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए इस प्रोडक्ट के बारे में अभी आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे मेरे पास में एक डिवाइस है FADOS7F1, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये एक यूएसबी पॉट टेस्टर है, और इसके अंदर यहाँ पे
मैं आपको वीडियो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। यहां पे आपको तीन, यहां पे जो अपने प्लग है इसके अंदर एक ऑडियो पिन ही है यहां पे, तो आपको यहां पे इसको कहीं पे भी लगा दो इन तीनों को। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि पिन नंबर वन जो है मेरा हमेशा रेड प्रॉब रहेगा, यह है मेरा रेड प्रॉब, तो इसको मैंने यहां पे लगा दिया। अब इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, उसके लिए कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस हम लोग याद रखते हैं कि एक नंबर पे मैंने रेड प्रॉब लगा के रखा है। दूसरा मेरा जो प्रॉब है, अपने ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का, और उसको मैंने दो नंबर पे लगा के रखा है, तो ये हमारी दो नंबर की पिन। और तीसरा जो है वो है एक कॉमन केबल, कॉमन यानी कि एक उसका अर्थिंग, ये है नेगेटिव, तो इसको मैंने यहां पे लगा के रखा है। ये तो बात हुई इस डिवाइस के बारे में। अब ये डिवाइस क्या क्या फंक्शन कर सकता है उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है पीपीटी फॉर्मेट में, हम पहले उसको देख लेते हैं कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा इसको समझाता हूं कि इसके अंदर हम लोग ये डिवाइस बेसिकली किस तरह से वर्क करता है। अब सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यहां पे एक आपको दिखाई दे रहा है कि सिग्नेचर एनालिसिस इज ए पावर ऑफ टेस्ट मेथड दैट इज यूज टू ट्रबल शूट सर्किट बोर्ड्स FADOS7F1 वर्क बाय अप्लाइंग करंट लिमिटेड साइन वेव थ्रूआउट ए सीरियल रजिस्टर पॉइंट टू टच वन सर्किट। तो यहां पे जो मेरा ये जो प्रॉब है, इन प्रॉब के ऊपर एक आएगा एनालॉग सिग्नल, और वो एनालॉग सिग्नल यहां पे आपको रेड कलर से जो आपको बता रहा है वो है साइन वेव फॉर्म में। तो इसके अंदर एक साइन वेव फॉर्मेट से हम यहां से सिग्नल को इंसर्ट करते हैं, और इसी के आधार पे हम लोगों ने जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास के अंदर जिन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें की है। किसी का माइक चालू हुआ है प्लीज माइक बंद करिए, माइक बंद, थैंक्स। तो यहां पे आपको एनालॉग सर्किट जो है, एनालॉग सिग्नल से हम लोग यहां पे हम किसी भी डिवाइस को, यानी कि कोई भी अपनी आईसी, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, उन सब चीजों को हम लोग इस एनालॉग साइन वेव से हम लोग उसको चेक करेंगे। तो इसके अंदर इस तरह से हमारा काम होगा कि आगे की एक स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूं। ये एक ड्यूअल चैनल वीआई टेस्ट फीचर्स वाला एक डिवाइस है, और ये एक डिफेक्टिव और जो सस्पेक्टेड पार्ट है उसको एक हमें कंपैरिजन करके बताता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर से है चैनल वन वाला, ये एक रेफरेंस है, जो भी कर्व बनता है उस कर्व का एक रेफरेंस है यहाँ पे कि इसके अंदर दो डायोड होंगे, एक रजिस्टर होगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपको जो डायोड की उसकी जो पैरेलल में लगने वाले डायोड और जैसे जो रजिस्टर है उसकी आपको वैल्यू दिखाई देगी, उसके अंदर टॉलरेंस रहेगा, अलग अलग टॉलरेंस बनेगा, एक डायोड एक रजिस्टर है तो टॉलरेंस अलग, कैपेसिटर डायोड है तो टॉलरेंस अलग, रजिस्टर और कैपेसिटर है तो टॉलरेंस अलग, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ, अभी आपको आगे की स्लाइड के अंदर बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको कंपैरिजन करना है दो सर्किटों का, एक सर्किट आपके पास में ऐसी होगी जो ओके होगी और दूसरी सर्किट ऐसी होगी जो आपकी फॉल्टी होगी। तो यहाँ पे चैनल वन वो हम लोग यूज करेंगे एक ओके सर्किट के लिए, और चैनल टू जो है वो हम यूज करेंगे एक डिफेक्टिव सर्किट के लिए। तो ये ऑनबोर्ड यानी कि कंपोनेंट को बाहर निकाले बगैर आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसा एक डिवाइस है। पहले जब हमारे पास में मल्टीमीटर से हम लोग जब चेक करते हैं तो मल्टीमीटर का एक नियम होता है कि आपको कोई भी कंपोनेंट अगर चेक करना है तो उसका कोई भी एक लीड, फॉर एग्जांपल रजिस्टर है, तो आप ऑनबोर्ड रजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको मिक्सिंग वैल्यू मिलेगी, उसके पैरेलल में मिलने वाली सभी रजिस्टेंस की वैल्यू उसके साथ में दिखाई देगी।
इसलिए आपको मल्टीमीटर से जब भी ऑनबोर्ड रजिस्टर चेक करना है तो आपको रजिस्टर का एक लेग ऊपर कर देना है, यानी कि उसको डिस्कनेक्ट करना है, या फिर उसके अंदर दूसरी एक चीज है, आपको आगे की सर्किट जो है उसको डिसेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सीपीयू के लिए वीआरएम सेक्शन को अगर हमें चेक करना था, तो वीआरएम सेक्शन को चेक करने के लिए हम सीपीयू को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में मॉस्फेट चेक करते हैं। तो हम लोगों ने जब सीपीयू को बाहर निकाला तो हमने एक तरफ की सर्किट को ओपन किया। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, जब आप रैम चेक करते हो, रैम स्लॉट का आप जो पॉइंट है उसको जब चेक करते हो, तब उस समय में भी हमने देखा है कि बीच में जो रजिस्टर वगैरह हमें चेक करने हैं रैम और डीएमसीएच के बीच में, तो उसमें हम लोग रैम निकाल देते हैं, एक तरफ की सर्किट ओपन हो गई तो रजिस्टर का दूसरा तरफ का किनारा ओपन हो गया। तो हम मल्टीमीटर से सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चेक कर सकते हैं। हम लोग डायोड को चेक करना है तो भी हमें बाहर निकाल के ही चेक करना है, क्योंकि उसके अंदर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बोर्ड के अंदर जब डायोड होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस टूल के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा आप ऑनबोर्ड में रहे पार्ट को चेक कर सकते हो। इवन इसके अंदर आप आईसी भी चेक कर सकते हो, और ये सबसे ज्यादा हमें यूज होगा आईसी चेकिंग के लिए, क्योंकि मल्टीमीटर से हम आईसी चेक नहीं कर सकते। तो ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर से एक एनालॉग सिग्नल साइन वेव में वो जनरेट करेगा, और वो सिग्नल जब हम एक आईसी के किसी ना किसी पॉइंट पे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नियम है सर्किट को पूरी कब कहते हैं, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी सर्किट कंप्लीट बने, और कन्वेंशनल थियरी के हिसाब से हम उसको ये बोलते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज जा रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि वोल्टेज हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल थियरी के आधार पे ही ये सब डिस्कशन करने वाले हैं, जो ऑलरेडी मैंने मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास के अंदर आप सब लोगों को समझा के रखा ही है कि उसको हमें कन्वेंशनल थियरी के हिसाब से ही उसको समझना है। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट पूरी होनी चाहिए किसी भी सर्किट को चालू होने के लिए, तो सर्किट को हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो ये डिवाइस उसी के ऊपर काम करता है। जब आईसी के किसी ना किसी लेग के ऊपर अगर आप इसके प्रॉप को टच करते हो, तो उस समय में उसकी सर्किट पूरी होगी ग्राउंड के साथ में। बीच में जो भी कंपोनेंट आएंगे, बीच में डायोड आएगा, रजिस्टर आएगा, कैपेसिटर आएगा, वो सब चीजों के बाद में वो लास्ट में कहीं ना कहीं तो होके ग्राउंड होगी ही होगी। तो यही कंसेप्ट के आधार पे हम इस डिवाइस के द्वारा बीच में कौन कौन सी चीजें लगी है वो हम चेक कर सकते हैं। हम आईसी के बारे में बात करें तो आईसी के अंदर इस तरह से होता है कि आईसी की जो लॉजिक पिन्स जो है, लॉजिक इनपुट आउटपुट पिन्स है, तो लॉजिक इनपुट आउटपुट पिन्स के अंदर, लॉजिक इनपुट आउटपुट पिन्स के अंदर आपको इस तरह से होता है कि उसको एक तो खतरा रहता है स्टेटिक वोल्ट का, तो हरेक लॉजिक इनपुट आउटपुट पिन को प्रोटेक्शन करने के लिए जब वो पिन आउट होती है उससे पहले उस आईसी के अंदर एक ड्यूअल डायोड का एक सर्किट बना होता है, या फिर सिंगल डायोड का एक सर्किट बना होता है, या फिर एक आरएल सर्किट, एक आरसी सर्किट बनी होती है, रजिस्टर और कैपेसिटर वाली सर्किट बनी होती है। तो वो क्या करती है कि लॉजिक सिग्नल के जितने भी इनपुट है उस पिनों को वो कंट्रोल करता है। तो यहां पे हम लोग जो देखेंगे कि इस डिवाइस के द्वारा जब हम किसी ना किसी पिन के ऊपर उसको टच करके देखते हैं, तब उसका कोई ना कोई सिग्नेचर ग्राफ दिखेगा। तो ये डिवाइस आपको ये बताता है कि इसका ये सिग्नेचर सही है, यानी कि इसका इनपुट की जो पिन है वो सही है। एक माइक्रो कंट्रोलर को अगर इसके अंदर के अंदर से हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिए एक ईएनए की आईओ, KB926QR या फिर 9012, व्हाटएवर आपके मन में जो आए उसका नाम आप बोल लो। हमने माइक्रो कंट्रोलर को ले लिया और माइक्रो कंट्रोलर की हर एक पिन को हम टेस्ट करते गए, और उसके अंदर कोई ना कोई हर एक पिन के ऊपर आपको सिग्नेचर दिखेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की, आपके जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर सही है, बस उसी की वो आइडेंटिफिकेशन देता है। वो आपको उसके अंदर का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, ये मशीन आपको ये कभी भी नहीं बताएगा, यानी कि उसको किस पिन से लॉजिक हाई निकालना है, किस पिन से लॉजिक लो निकालना है, या फिर उसके अंदर का प्रोग्राम अगर करप्ट है तो वो निकालेगा या नहीं निकालेगा, ये
इस डिवाइस का बताने का काम नहीं है, लेकिन इस डिवाइस का काम ये है कि वो जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है वो हार्डवेयर अच्छी कंडीशन में है, यानी कि आईसी को चेक करने का आज से पहले हमारे पास में मल्टीमीटर के द्वारा तो कोई यूज था नहीं, या फिर हम उसको यूज कर भी नहीं सकते थे और हमें पता भी नहीं चलता था। दूसरा एक रास्ता था कि हम ऑसिलोस्कोप से उसको चेक करते थे, तो ऑसिलोस्कोप में ऑनलाइन चेक करना होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड को पावर देना होता है और उसके बाद में आपका लॉजिक सिग्नल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना होता है। तो वो आईसी सिग्नल निकाल रही है या नहीं निकाल रही है वो डिपेंड करता है उसके अंदर बने प्रोग्राम से। तो माइक्रो कंट्रोलर जितनी भी होगी वो प्रोग्रामेबल होती है और उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर का कोई भी एरर ये नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा आपके हार्डवेयर की फिजिकल कंडीशन। तो यहां पे इस डिवाइस के द्वारा हम लोग आईसी मॉस्फेट और हर एक का अलग अलग जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर के बारे में भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिग्नेचर कहलाते हैं रजिस्टर के, डायोड के, अलग अलग तरह के सिग्नेचर बनते हैं तो कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दो डायोड और एक रजिस्टर का ऐसे आपको कंपेरिजन चार्ट मिलेगा। यहाँ पे एक दूसरी एक फैसिलिटी है मेमोरी रिकॉर्डिंग फीचर्स। By means of this feature, the characteristic of the intact electronic board. यहाँ पे VI graph की equivalent circuit diagram जो होती है उसका electronic जो component होते हैं उसको हम memorize कर सकते हैं। For example, मेरे पास में एक OK board है, अभी मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूँ। अभी मेरे पास में एक OK board है, अभी ये desktop का board है, आपको लगता होगा कि all in one का board है, SR1W वाला processor है इसके अंदर, लेकिन अभी डेस्कटॉप के अंदर भी ऐसे ही बोर्ड आ गए जिसके अंदर सिंगल इनपुट आ गया, यानी कि अब ये बन गया है सीधा ही लैपटॉप का बोर्ड। डायरेक्ट 19 वोल्ट इनपुट करो, इसके अंदर से 3 और 5 वोल्ट की सर्किट बनी है, इसका बायोस है, अभी इसके अंदर भी पावर ऑन नहीं होता है तो बायोस जिम्मेदार है। इस बोर्ड के अंदर यही काम किया है, नो पावर में आया था बोर्ड और इसका बायोस करके ही इसका पावर चालू किया है। तो यहाँ पे एक बोर्ड हमने जो ये लिया इसके अंदर समझो कि मुझे ये पता चला कि बोर्ड कंप्लीट वर्किंग में है, इसके सीपीयू के ऊपर ये डॉट आपको बता रहा है, आपको ये डॉट बता रहा है, इसका मैं सिग्नेचर एनालिसिस कर लेता हूं और इस सिग्नेचर को मैं अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव कर लेता हूं, या फिर इसके अंदर जो रैम स्लॉट है उस रैम स्लॉट का मैं, मेरे पास में एक डमी रैम का मॉड्यूल है, डमी रैम टेस्टर था, इसके अंदर पॉइंट दिए है, अगर मैं यहां से लगाता हूं, आप लोगों को आर्किटेक्चर तो मालूम ही है, जैसे कि हमारा वीडियो क्लास ट्रेनिंग है इसके अंदर आपको मैंने समझाया है कि आपको आर्किटेक्चर के हिसाब से जाना है। किसी का माइक चालू हुआ है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एक डमी रैम का मॉड्यूल है, डमी रैम मॉड्यूल के अंदर आपको हर एक पिन कॉन्फ़िगरेशन यहां पे बताई है, आपको ये तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको आर्किटेक्चर के हिसाब से चलना है। arislaptoptraining.com वेबसाइट के अंदर जो भी हमारे वीडियो क्लास ट्रेनिंग के जो यूजर है यहाँ पे तो सभी वही है, तो आप सबको वो थियरी तो मालूम ही है कि हम आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के चलेंगे। आर्किटेक्चर एक तरह का ये है कि आपका सीपीयू, जीएमसीएच, आईसीएच और आईओ, आपको यहाँ पे ड्रॉइंग करके बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सभी लोगों ने वो देखा है। तो अगर ये आर्किटेक्चर है और इंटेल की टेक्नोलॉजी है तो रैम आपकी जुड़ेगी हमेशा जीएमसीएच के साथ, अगर ये टेक्नोलॉजी एएमडी की है तो रैम आपकी जुड़ेगी प्रोसेसर के साथ में, उसके सीपीयू के साथ में। तो वैसे ही हमारा सेकंड आर्किटेक्चर जो बना, वो सेकंड आर्किटेक्चर, नीरज जी आपके पास में मेरे माउस का कंट्रोल है, वो माउस आप नीचे ले जाएंगे तो यहां पे मेरा स्क्रीन बंद हो जाएगा। हाँ राइट, अब उसको सेंटर में ही रखिए। ओके ओके सर, ओके थैंक यू। तो यहां पे आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि आपका जब एएमडी का प्रोसेसर है तो आपका रैम जो है वो कनेक्टेड है सीधे ही एएमडी के प्रोसेसर के अंदर। बस अभी सेकंड नंबर का हमारा जो आर्किटेक्चर है वो है सीपीयू पीसीएच आईओ। तो यहां पे सीपीयू पीसीएच आईओ के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया कि सीपीयू के साथ में सीधी ही रैम जुड़ गई, वो एएमडी की टेक्नोलॉजी अभी इंटेल के अंदर आ गई। तो अगर समझो आपका रैम स्लॉट, अगर सीपीयू नहीं है
तो रैम स्लॉट के अंदर मिलने वाला कोई भी कनेक्शन मुझे सिग्नेचर में नहीं दिखाई देगा। तो अभी तो बोर्ड ऑन बोर्ड प्रोसेसर वाले आ रहे हैं, अभी ये ड्राइव होल्डर है या क्या है उसका मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बताता हूँ। एक ड्राइव होल्डर वाला केस का एक प्रेजेंटेशन है कि जब मुझे यहाँ पे एक सिग्नेचर नहीं मिल रही है, इसको मैं प्रेस करता हूँ, वो अलग बोर्ड है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तब सिग्नेचर बनती है, तब मुझे 100% मालूम पड़ जाता है कि मेरा सीपीयू ड्राई है, क्योंकि हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी डेटा की वो सभी जुड़ी है सीपीयू के साथ में। इसके अंदर और भी अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे अपने दो तीन पिन ऐसी है, बीडीडी एसपीडी की, एक आती है एससीएल की, सीरियल क्लॉक की, सीरियल डेटा की, ये आती है पीसीएस से और बीडीडी एस। तो यहां पे एक ब्रीफ में आपको बताता हूं कि यहां पे इसका अगर मुझे पता चल गया कि बोर्ड मेरा चालू है और इसका सिग्नेचर मैंने ले लिया, इसका सिग्नेचर मैंने स्टोर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास में ऐसा बोर्ड रिपेयरिंग को आता है तो मेरे पास में जो स्टोर हुआ, मैंने जो डेटा रखा हुआ है, उस डेटा से मैं यहां पे कंपेयर कर सकता हूं। कहां पे? तो आपको जो मैंने अभी हमारी जो चर्चा अभी स्टार्ट हुई थी इस तरफ से। तो यहां पे तो ये मेरा ये स्टोर डेटा है, आपको यहां पे ये दिख रहा है एक स्टोर डेटा है, और जब मैं स्टोर डेटा से देखता हूं, ये रेड कलर से मेरा स्टोर डेटा आता है, और यहां पे जो ब्लू कलर का जो प्रॉब है, यानी कि मेरा इस मशीन का ये ब्लू प्रॉब, इस ब्लू प्रॉब से मैं डिफेक्टिव बोर्ड को जब टेस्ट करता हूं तब मेरे सिग्नेचर के साथ में वो मैच होगा। और इसका सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया बनाया है, इतना अच्छी तरीके से बनाया है, आपने एक पिन टेस्ट की, अगर वो टेस्टेड ओके आ गई, आप प्रॉप को उठाइए, वो नेक्स्ट पिन के लिए आपका फोटो यहाँ पे चला जाएगा। आपने जैसे जैसे टेस्ट पॉइंट बनाए हैं, वैसे वैसे वो आपको लेता जाएगा, उसका भी मैं आपको डेमो बताता हूँ। तो आपको एक ये हमारा जो फीचर्स है, वो फीचर्स ये हमारा आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर मेमोरी रिकॉर्डिंग फीचर्स, अपने मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ डेटा है उसके साथ से आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं अपने लैपटॉप के लिए एक अलग से लॉजिक लेके आ गया हूं, हमें मेमोराइज डेटा की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर समझो यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट की डेटा प्लस डेटा माइनस की लाइन आती है, मैं दोनों प्रोबो से दोनों को एक साथ में टच करूंगा, दोनों की सिग्नेचर एक समान ही बताएगी। तो डेटा और क्लॉक की जो लाइनें है जितनी जितनी जगह पे, जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर आपको आरएक्सटीएक्स की डेटा बताती है लाइन, तो मुझे उसका डेटा स्टोर रखने की जरूरत नहीं है। वो लॉजिक मैं आपको अगले वीडियो के अंदर वो क्लियर करवाऊंगा कि उसके अंदर किस तरह से हम लोग अपना लॉजिक यूज करके डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन भी कर सकते हैं, और लैपटॉप मदरबोर्ड के लिए तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, वो आईसी आपकी खराब है तो आपको बदलनी ही है, उसके बाद में ही पता चलेगा कि आईसी चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन इस एनालॉग सिग्नेचर एनालिसिस से हम उसका डेटा पहले मैच कर सकते हैं, और डेटा मैच करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नहीं यहाँ पे 101% आईसी को ही बदलना है। तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होगा आईसी के कर्व टेस्टिंग के लिए। आईसी के कर्व टेस्टिंग इसमें बहुत बेहतर तरीके से और बहुत साफ और बहुत इंस्टेंट में यहाँ पे आपको बता देंगे। तो सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज भी बहुत सारी है इस तरह की। तो ये हुआ हमारा एक और ऑप्शन कि मेमोरी रिकॉर्डिंग फीचर्स इसके अंदर है, इसको हमें ध्यान क्या रखना है अभी हमें उसके बारे में समझना है। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी पीसीबी को चेक करते हो, ये एक ऑफलाइन मोड पे चेक करने वाली डिवाइस है, यानी कि आपको इसके लिए पीसीबी को पावर देने की जरूरत नहीं है, आपका पावर आउटलेट नहीं लगा होना चाहिए, ये ऑफलाइन टेस्टिंग है और ये पूरी तरीके से सेफ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है, उस ऑटोमेटिक ऑप्शन को सिलेक्ट करके जब आप रखेंगे तब आपका कितना वोल्टेज कितनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो इसका जो हार्डवेयर है वो खुद तय करता है। तो यहाँ पे आप जब कोई हाई पावर वाली सर्किट को टेस्ट करते हो, जैसे कि SMPS, तो यहाँ पे एक SMPS का आपको फोटो बताया है, तो जब आप ऐसे डिवाइसों के ऊपर काम करते हो, हाई वोल्टेज कैपेसिटरों को, आपको सबसे पहले डिस्चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो होगा ये इस डिवाइस के अंदर
इस डिवाइस के अंदर एक लोड रजिस्टर है, इसी के आधार पे वो सिग्नेचर बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी बैटरी चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमें एक रजिस्टर मिलता है वोल्टिंग सेक्शन में, उसके अंदर दो किनारे होते हैं, एक तरफ बैटरी साइड और दूसरी साइड होता है एडाप्टर साइड। तो वो जो रजिस्टर होता है उसके दोनों किनारे वो जुड़े हुए हैं अपनी चार्जिंग आईसी के साथ में। तो दोनों किनारे क्या करते हैं, तो दोनों किनारे एम्पियर को और वोल्टेज को वो कैलकुलेट करते हैं और कैलिब्रेट करते हैं और उसकी एक आइडेंटिटी लेते हैं कि कितने एम्पियर आ रहे हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो बस वैसा ही एक लोड रजिस्टर यहाँ पे बीच में है। तो हमारी इसकी सर्किट जो इंटरनल सर्किट है उसके पीछे हमें नहीं जाना है, लेकिन एक तरीका समझना है कि वैसा ही एक रजिस्टर है इसके अंदर, जिसके अंदर इनपुट वोल्टेज जो इस डिवाइस के अंदर इंटरनली सर्किट ने बनाए हैं और इसके द्वारा मिलने वाले वोल्टेज सिग्नेचर के बाद में ग्राउंड के साथ में जुड़ने के बाद में उन दोनों का डिफरेंस जो है उसी का कैलकुलेशन करके इसका सॉफ्टवेयर हमें सिग्नेचर बताता है। तो आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि इस डिवाइस को जब भी हम चेक करते हैं तो हमें डिवाइस यानी कि पीसीबी को पावर नहीं देना है और जितने भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज करना है। हमारे लैपटॉप में तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारे लैपटॉप के अंदर 19 वोल्ट की सर्किट आती है और जैसे ही एडाप्टर लगाते हो एडाप्टर आप निकालते हो सर्किट ऑटोमेटेड मोड के अंदर वो डिस्चार्ज की फंक्शन हमारे सर्किट के अंदर है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको एसएमपीएस में या फिर जहां पे भी हाई वोल्टेज पावर कैप आती है वहां पे अगर आप इसके द्वारा चेकिंग करने जाते हो तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसकी वारंटी भी चली जाएगी अगर आपने इस तरह से चेक किया तो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड विदाउट गिविंग टू एनर्जी बिफोर टेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड एंड द डिवाइस मस्ट बी मेड हाई वोल्टेज कैपेसिटर डिस्चार्ज। आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, द यूजर ऑफ द इक्विपमेंट मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स। Those during a using FADOS7F1 do not make the mistakes such as chassis too high voltage. ये भी एक आपको चीज ध्यान में रखनी है कि आपका आउटलेट आप ऐसा सोच रहे हो कि आउटलेट के अंदर प्लग लगा के रखा है लेकिन मैंने स्विच बंद रखा है, लेकिन आपके प्लग के अंदर फेस को कट किया है या फिर न्यूट्रल को कट किया है वो तो इलेक्ट्रिशियन ही जानता है, तो आपके अंदर लाइव वोल्टेज भी हो सकता है ऐसा है। तो हमेशा ध्यान में रखिए आउटलेट से पावर को निकाल दीजिए, ना ही आपका अर्थिंग से आपकी चेसिस जुड़ी होनी चाहिए, आपके 230 वोल्ट वाले जो आउटलेट है उसकी अर्थिंग से भी आपकी कोई चीज जुड़ी होनी नहीं चाहिए। तो ये एक प्रिकॉशन लेना है हमें, नॉन आइसोलेटेड ग्राउंडेड टेस्ट हाई वोल्टेज कैपेसिटर डिस्चार्ज विदाउट इनफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट कीप अवे हाई वोल्टेज। अभी आपके पास में सबके पास में नॉलेज तो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये आपको अप्लाई नहीं होता है। तो आगे जो हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर काम में लगेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ये मैंने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में यहां पे बताया है, जैसे कि ईसीयू ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, जो ईसीयू बोर्ड आते हैं कार के अंदर उसमें यूज कर सकते हैं, सर्वो स्टेप मोटर ड्राइवर में, सर्किट बोर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस बहुत सारे आते हैं, उनमें से कोई भी डिवाइसेस आपके पास में उस सर्किट का नॉलेज हो चाहे ना हो इस डिवाइस के साथ में एक चीज और कर सकते हैं। मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक वीडियो भेजा था, एक छोटा बच्चा भी इसके द्वारा काम करता है सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन से। आपको लैपटॉप रिपेयरिंग फील्ड में आना था तब आपने किया क्या, आपने सबसे पहले तो ट्रेनिंग ली लैपटॉप काम कैसे करता है उसके अंदर के लॉजिक कैसे चलते हैं, फिर आपने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। लेकिन अगर इस डिवाइस से अगर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी आ जाती है तो इस डिवाइस से आपको करना क्या है, इस डिवाइस से आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेटा बना लेना है, जो अभी अभी आपको मैंने बताया एक सेव हम कर सकते हैं मेमोराइज कर सकते हैं डेटा। जब आपके पास में डिफेक्टिव पीसीबी आई तो बस उसको कंपेयर ही करिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़े नॉलेज की ही जरूरत पड़ेगी, जहां पे डायोड कैपेसिटर रजिस्टर के वो कैसे उसके सिग्नेचर बताते बस उतनी ही आपके नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। जबकि हमें लैपटॉप रिपेयर सीखने से पहले या फिर करने से पहले हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस होना चाहिए और उसके बाद में हाउ टू वर्क लैपटॉप उसको समझना है और उसके बाद में रिपेयरिंग सीखना है। लेकिन इस डिवाइस के द्वारा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पीसीबी वाले जो है उसको आप रिपेयर कर सकते हो आसानी से,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी के अंदर आता क्या है, उंगली से गिने जा सके उतने ही कंपोनेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, लाइन फिल्टर, ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट, आईसी, साथ या हाँ क्रिस्टल, ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल, तो वो सभी चीजों का सिग्नेचर अलग अलग बनता है, हमें सिग्नेचर के अनुसार उसको चेक करना है। और आईसी क्या है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके अंदर डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर सब कुछ है, तो आईसी भी उसी क्राइटेरिया में आ गई। तो इस डिवाइस के द्वारा हम ये सब चीजों को चेक कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास में अभी ये लिमिटेशन नहीं रहेगी कि इस डिवाइस के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ईसीयू भी रिपेयर कर सकते हो, कल हमारे बाजू में एक कार टैप वाला है, उसका जो कार टैप एक पीसीबी है उसकी 8 और 5 वोल्ट की लाइन के अंदर फोल्ड था, वो मेरे पास में दोनों पीसीबी लेके आए, एक ओके पीसीबी, एक अपनी जो पीसीबी वर्क नहीं कर रही थी, कैपेसिटर सही दिख रहा था, लेकिन इस डिवाइस के द्वारा मैंने उसके कर के द्वारा उसको समझा कि इसका कैपेसिटर जो है वो लीकेज लगा रहा है। कैपेसिटर चेंज किया, अभी उसकी वो डैक जो है कैसे काम करती है आई डोंट नो, लेकिन मेरे पास में उसका लॉजिक भी नहीं था, लेकिन इस डिवाइस के द्वारा मैंने एक लॉजिक यूज किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा है तो इसका सिग्नेचर ऐसा ही होना चाहिए। डिफरेंट सिग्नेचर आया, दैट मीन्स देयर इज ए फॉल्ट समथिंग इन देयर। तो इस तरह से एक आप मेडिकल डिवाइसेस है, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर करते हो, उसके अंदर भी आपको समझो कॉप है, मैंने अभी उसका टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपकी कॉप को भी टेस्ट कर सकते हो कि इसका कॉप चालू है या नहीं चालू है, आपकी कॉप बाहर है और आपके पास में एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर करने का मशीन है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, ऐसी सभी सर्किटों में यूज कर सकते हो, मॉनिटर सर्किट, टेलीविजन, ऑडियो, रेडियो, जो भी टेक्सटाइल मशीन है, मोबाइल फोन है, डीवीआर है, अभी डीवीआर का हॉट है बिजनेस, डीवीआर कोई रिपेयर नहीं करता है, डीवीआर है, सीसीटीवी कैमरा है, आपको करना एक ही है कि आपको एक ब्रांड पकड़ लेनी है, एक मॉडल पकड़ लेना है और एक अच्छा डीवीआर कंडीशन में जो हो या फिर ऐसी ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी हो उसका डेटा एक बार आप मेमोराइज कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा, फिर आपके पास में जब भी फॉल्टी डिवाइस आता है आपने टेस्टिंग पॉइंट ऑलरेडी बना के रखे है, आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि आपको प्रॉब कहाँ पे रखना है और आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि ये कितने परसेंट ये डेटा मैच हो रहा है, 0% से लेके 200%, 300% तक की आपको अलग अलग आपको आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, उस पीसीबी हो, उसको आप रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए उसके आपके पास में उसका नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ कर टेस्टिंग टेस्टर आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे आएंगे, एक तो जो लाइन ऐसी है तो ओपन सर्किट, ये है शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे एक रजिस्टर का कर है, कैपेसिटर का कर है और ये है एक सेमीकंडक्टर का कर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, डायोड है जिसके अंदर एनोड कैथोड है, वर्डिंग वो सभी अपने सेमीकंडक्टर में आएंगे, तो यहाँ पे आपको डायोड आएगा, ट्रायक आएगा, मॉस्फेट आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, आईसी आएगी, तो ये सभी चीजें हमारी सेमीकंडक्टर में आएगी और इसके अंदर इसका भी एक अलग से कर्व है जिसके अंदर उसका जो नी वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर ऑप्शन अलग अलग इस तरह से भी आपको दिखेगा कि एक एम्पियर और एक वोल्टेज लेवल के ऊपर एक आईएस लगेगा, एक बीएस लगेगा, एक वीआर लगेगा और एक आईआर लगेगा, तो उसका पूरा मतलब क्या है अगर वो सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, वो एक लंबी थियरी है लेकिन हम लोग उसको कवर करेंगे। कंपोनेंट वैल्यू मेजरमेंट जब आप करते हो इस डिवाइस के द्वारा तो उसका टॉलरेंस कितना होगा, यानी कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, वो कितना परसेंट अच्छी तरीके से बताएगा। तो ऑनबोर्ड अगर आप जब इसको चेक करते हो तो रजिस्टर ओनली 2% का टॉलरेंस है, आपका 100 ओम्स का रजिस्टर है और अगर आप इस डिवाइस से चेक करते हो तो ओनली 2%, यानी कि या तो 98 ओम्स बताएगा या फिर 102 ओम्स बताएगा या फिर 100 ओम्स बताएगा, यानी कि उसी के आसपास में वो टॉलरेंस उसका दिखेगा, 2% प्लस और 2% माइनस। कैपेसिटर 3% का उसका वेरिएशन रहेगा, उसके अंदर आपको एमएफडी, एनएफ, पीएफ सभी की वैल्यू उसके अंदर बताएगी। डायोड ट्रांसमिटिंग वोल्टेज जो है, डायोड के वोल्टेज के अंदर भी वेरिएशन जो है वो 1 वोल्ट का ही आपको टॉलरेंस बताएगा, वैसे ही रजिस्टर एंड डायोड दोनों अगर सीरियल में कनेक्टेड है पीसीबी के अंदर तो उनका टॉलरेंस आपको, सॉरी, इफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड पैरेलल देन रजिस्टर वैल्यू इज ए 4% एंड कैपेसिटर वैल्यू इज ए 5%, अगर ये दोनों पैरेलल में है।
इफ रजिस्टर एंड डायोड आर कनेक्टेड सीरियली, एक दूसरे के साथ में सीरियली कनेक्टेड है, तो 4% का वेरियस टॉलरेंस आपको दिखा सकता है. इफ डायोड एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड पैरेलल देन 3%. और ये टॉलरेंस कितना आएगा वो भी आपको लेफ्ट साइड में मेनू में आपको लेफ्ट साइड में भी बताएगा कि यहाँ पे 3% का टॉलरेंस है, 4% का टॉलरेंस है. यानी कि आपको डिवाइस को बाहर निकाले बगैर आप उसको जान सकते हो कि वो कितने ओम्स का रजिस्टर है, कितने ओम्स का अपना अदर डिवाइसेस में है, या फिर डायोड कितने वोल्टेज वाला है, या फिर कैपेसिटर कितने एमएफ का है. आपको एनईसी टॉकिंग के बारे में इस डिवाइस के द्वारा बताता हूँ कि एनईसी टॉकिंग के अंदर हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इसके द्वारा. वो मेरे पास में भी डेमो की सब कुछ है, वो भी आपको आगे बताता हूँ. डायोड एंड रजिस्टर एंड कनेक्टेड पैरेलल, दोनों अगर पैरेलल में लगे हैं तो 10% है. तो इस तरह से एक टॉलरेंस वैल्यू है और ये अलग अलग कर्व है. कर्व के बारे में भी अभी आपको मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताता हूँ प्रैक्टिकली. अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है कि एक सेमीकंडक्टर होता है जैसे कि डायोड, तो डायोड का कर्व कैसे आता है आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है. यहाँ पे जो ये लाइन जो है, ये लाइन दर्शाती है एम्पियर और ये लाइन दर्शाती है वोल्टेज. आपने ऐसे ग्राफ डेटा शीट के अंदर, बहुत सारे डेटा शीटों के अंदर आपने देखा होगा. आपका अगर आपका ध्यान गया हो तो आप कभी भी किसी की डेटा शीट निकालते हो, किसी मॉस्फेट की डेटा शीट निकालते हो, तो डेटा शीट के अंदर ऐसे कर्व आपको बताते हैं कि वो उसका नी वोल्टेज कितना है, उसका बैकवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, उसका वीआर कितना है, उसका आईआर कितना है, आईएफ कितना है, वो सब चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब की हुई होती है. और वही चीज हम लोग यहाँ पे पीसीबी में करने वाले हैं. तो यहाँ पे इस तरह से है कि कोई भी एक डायोड को अगर आप जब इसको एक एनालॉग वोल्टेज देते हैं तो होता यह है कि आपको सबको पता है कि डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाता है अगर वो डायोड सिलिकॉन का है. अगर वही डायोड जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट का वो ड्रॉप लगाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब एक डायोड को फॉरवर्ड बायोस के अंदर एक सर्किट हम बनाते हैं, 3 वोल्ट का एक सेल लेते हैं, यही लैपटॉप वाली ही बैटरी ले लो, आपकी बटन सेल, उस 3 वोल्ट का अगर हम सेल लेते हैं और उसको पॉजिटिव को डायोड का एनोड लगा के नेगेटिव से आउट होके हम लोग जब मीटर से चेक करते हैं तो वहां पे अगर वो डायोड 0.7 वोल्ट का है, यानी कि 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाता है, तो आउटपुट आपका आएगा कितना, वहां पे 3 वोल्ट की जगह पे आपको वहां पे मिलेगा 2.3 वोल्ट. तो एक सिलिकॉन डायोड 0.3 वोल्ट का ड्रॉप लगाता है जो आपको यहां पे बताएगा, यहां पे यहां तक ये ड्रॉप लगता है क्योंकि ये वोल्टेज लेवल है. वोल्टेज यहां से बढ़े तो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास के अंदर ये भी सीखा है कि एम्पियर क्या है. तो एम्पियर का मतलब होता है कि एक सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम एम्पियर में नापते हैं. यानी कि एम्पियर एक इकाई है इलेक्ट्रॉन की संख्या को नापने के लिए. समय कितना, समय हमारा फिक्स है एक सेकंड में, तो हम इसको एम्पियर बोलते हैं. और एम्पियर को यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को जो प्रेशर देता है आगे जाने के लिए, उसको हम लोगों ने वोल्ट कहा है. ये हमारी इजी भाषा में हमने इसको इस तरह से समझा है. तो ये पॉइंट है मेरा, जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे इस तरह से है कि जब आपका यहाँ पे सिलिकॉन आपको यहाँ पे एक बता रहा है 0.3 वोल्ट, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, तो वोल्टेज यानी कि प्रेशर, तो यहां से आपने प्रेशर दिया तो बढ़ा कौन, तो बढ़ेगा करंट. करंट यानी कि उसको हम नापते हैं एम्पियर में. तो ये देखो आई लिखा है, आई यानी कि इस तरह से वो बढ़ेगा. तो ये जो है ना वो नी वोल्टेज है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं. यानी कि यहां से उसने कर्व अच्छी तरीके से बढ़ाना स्टार्ट किया. तो ये वोल्टेज ड्रॉपिंग कितना हुआ, 0.7 वोल्ट का. अगर ये डायोड जर्मेनियम होता तो ये कर्व लग जाता यहां पे, जो एग्जांपल यहां पे है, तो ये यहां पे है, तुरंत ही उसने कर्व बढ़ा दिया. तो ये हुआ उसका फॉरवर्ड बायसिंग. मैं अभी आपको आगे की और एक स्लाइड के अंदर बताता हूं कि डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में आपको सिग्नेचर डायोड का कैसे दिखेगा. तो यहां पे एक एग्जांपल है, ये फॉरवर्ड बायस है और ये है चैनल 1 CH1 और ये लगा हुआ है यहाँ पे एनोड के साथ में, और इसका कैथोड जो है वो ग्राउंड होता है. तो इसके कारण होगा ये 0 वोल्ट है, सॉरी ये यहाँ पे 0 वोल्ट है. तो ये 0 वोल्ट
फिर वोल्टेज बढ़े और वोल्टेज बढ़ के उसने बढ़ा दिया। उसके अंदर क्या दिखा है, 0.3 वोल्ट का एक डायोड है। अगर वही डायोड मैं इसको रिवर्स में लगा देता हूं, यानी कि मेरा जो ये प्रॉब है, और मैं कैमरा स्टार्ट कर लेता हूं, मेरा जो ये प्रॉब है, इस प्रॉब को मैं कैथोड लगाता हूं और एनोड में ग्राउंड के साथ में करता हूं, तो मुझे सिग्नेचर ऐसी दिखेगी, यानी कि ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये रिवर्स बायसिंग हुआ। तो इस डायोड की डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि आईसी के अंदर जो भी है से डायोड लगे हैं, तो ये इनपुट पिन है या फिर आउटपुट पिन, इस डायोड के डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा। अगर इनपुट आउटपुट दोनों पिन है, यानी कि इसके अंदर इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, ऐसी कोई आईसी की कोई पिन है तो वहां पर ड्यूअल डायोड यूज किया होगा। ओनली आउटपुट पिन है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट पिन है, तो हमें ये वाला कर्व दिखाएगा, और अगर इनपुट है तो हमें ये कर्व दिखाएगा, और ऐसे रेफरेंस में हमें बताएगा। तो इस तरह से हम एक आईसी की इनपुट और आउटपुट पिन को भी ध्यान में रख सकते हैं। मैं ये थोड़ा थियरी आपको इसलिए थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी चीजें जब प्रैक्टिकल करने को आएगी, तब ये सब चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये सब चीजों को समझने के लिए। आगे जो है, एक यूनिक फीचर्स है इसके अंदर, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एंड मेजरिंग वैल्यूज ऑफ द ऑल कंपोनेंट फीचर्स एज एन एग्जांपल, इफ रजिस्टर कनेक्टेड टू पैरेलल कैपेसिटर इट शो सर्किट डायग्राम एंड वैल्यू ऑफ देम एट द सेम टाइम। यहां पे अगर आपका रजिस्टर पैरेलल में लगा है कैपेसिटर के साथ में, तो आपको कैपेसिटर का भी वैल्यू बताएगा और रजिस्टर का भी वैल्यू बताएगा। यहां पे आपको दिख रहा है, देखो 998 ओम्स और 10 MFD। इसके अंदर आपको पैरेलल में लगे रजिस्टर जो है उसके अंदर भी आपको बता रहा है 8K 0.6 वोल्ट का ये डायोड है D1। ये D1 यहाँ पे लिखा है, यानी कि आपको 0.6 वोल्ट का ये डायोड है। तो वैसे ही आपको एक रजिस्टर की वैल्यू भी आपको बता रही है कि R1 का वैल्यू क्या है, ये वाला। आप सोचिए आपका कितना सारा काम आसान हो जाएगा अगर आपको इस तरह से कंपैरिजन मोड के अंदर भी चले जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रजिस्टर मेरा लीकेज है, कौन सा मेरा कैपेसिटर लीकेज है, या फिर मेरा डायोड जो है वो मेरा खराब है। तो इस तरह से एक आपको ऐसी सिग्नेचरों से आपको पता चलेगा। तो ये था मेरा एक ब्रीफ छोटा सा। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग फिर से मीटिंग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ में, कि प्रैक्टिकली इसके अंदर क्या होता है। तो अभी आप एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हो, और जो भी सवाल पूछता है वो पहले अपना नाम बोलिए और उसके बाद में सवाल करिए, और दूसरा कोई भी सवाल करता है तो वो थोड़ी देर के लिए उसका एक बार क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, और मैं आप आंसर भी एक बार देख लो और उसके बाद में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ सर, रणवीर आदित्य बोल रहे। हाँ, रणवीर आदित्य बोल रहे। हाँ बोल रहे सर, जो आईसी को, हाँ बोल रहे सर, जब आईसी को चेक करने जाएंगे तो ये इनपुट और आउटपुट कहाँ पर देना है, ये कुछ देना है क्या, जैसे आईसी को इसका इनपुट और आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन के द्वारा, इस टूल के द्वारा ही देना है, आपको बाहर से कोई पावर नहीं देना है। अच्छा, जो पावर इनपुट होता है आईसी के भीतर, तो उस जगह पे पॉइंट लगाना है या फिर कोई भी पिन में लगाने से होगा? नहीं, कोई भी पिन में, उसके अंदर उसका पूरा कंसेप्ट मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो समझ में आएगा। पहले हम लोग कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे और फिर बोर्ड में टेस्ट करेंगे। अभी तो एक ब्रीफ थी कि इसके अंदर किस किस तरह से सिग्नेचर आते हैं। अभी तो प्रोग्राम जस्ट वी आर, अभी इसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके फंक्शन समझेंगे और फिर लाइव में हम लोग उसको चेक करेंगे। ओके सर, राइट। हेलो सर। हाँ यस मनोज, थ्रू। हाँ सर, अरे आम आपने जोवा जी है तो एम्पियर रेटिंग आम बताए खरा, એટલે અમુક સેક્શન માં હું હોય કે એમ્પિયર વધારે હોય તો આમાં એમ્પિયર એટલા કેટલા સપોર્ટ સુધી એમ્પિયર લે? આમાં એમ્પિયર રેટિંગ ના સપોર્ટ છે, એ આગળ પ્રોગ્રામ ના ડેમોન્સ્ટ્રેશન ની અંદર હું બતાવીશ કે આમાં 10 વોલ્ટ સુધીનું તમારે અંદર એમ્પિયર વોલ્ટેજ લેવલ આપી શકો, અને એના એમ્પિયર રેટિંગ થી માંડીને દરેકે દરેક વસ્તુ અહીંયા સોફ્ટવેર ની અંદર આ ઓપ્શન ની અંદર બતાવશે, દેખાય છે અહીંયા લો ફ્રીક્વન્સી, હાઈ ફ્રીક્વન્સી, હાઈ કરંટ, આ કરંટ છે। ઓકે ઓકે ઓકે,
એ 10 વોલ્ટ સુધી મેક્સિમમ છે અને ઓટોમેટેડ ઓટોમેટિક ઓપ્શન જો સિલેક્ટ કરીએ જબ ભી હમ ઓટોમેટિક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતે હૈ ઓર પ્લીઝ આપ અપના જો ભી ક્વેશ્ચન હો વો હિન્દી મે હી પૂછીએ ક્યોંકિ બહોત સારે લોગ હિન્દી જાનતે હૈ યહાં પે મે એક ઇસકા માઇક ચાલુ હૈ બહોત ડિસ્ટર્બન્સ હૈ બીચ મે હેલો સર યસ સરવિંદર સિંહ હા યે આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ ડેટ ક્યા હમ ઇસકો જબ જો બીડીએ ચિપ કો ભી ટેસ્ટ કરના તો ઉસકો ફિર બોર્ડ સે નિકાલ કે ટેસ્ટ કરના પડેગા ઇસકો નહીં ઇસકે અંદર ઇસ તરહ સે હૈ કે એક આપ અપના એક મેમરાઇઝ કર લો ડેટા ફોર એક્ઝામ્પલ કે હમે યે તો પતા હૈ કે કિસ તરહ સે આર્કિટેક્ચર પૂરા બના હુઆ હૈ મેં ઇસ તરહ સે કરતા હું અભી તો ઇ સિંગલ વાલા આ ગયા બોર્ડ અભી તો સિંગલ પ્રોસેસર બોર્ડ આ ગયા હાં સિંગલ પ્રોસેસર બોર્ડ કે અંદર હૈ ક્યા યહાં સે યહાં રેમ કા કનેક્શન હમારી જો મિની પીસીઆઈ ઈ સ્લોટ હૈ उसका भी कनेक्शन अभी इसी के अंदर आ गया ना क्योंकि हाँ. अभी तो पीसीएच भी निकल गया हाँ. फिर अपने साटा पॉट इसके अंदर आ गया फिर अपने आउटपुट में जो वीजीए है इसका भी इसके अंदर ही आ गया अभी सिंगल चिप में ही सब आ गया ना हाँ जी तो हम ये करते हैं कि इसका एक सिग्नेचर एनालिसिस कर लिया उसको मैंने स्टोर कर लिया वैसे ही मैंने इस वीजीए का स्टोर कर लिया वैसे ही मैंने समझो कि भाई दूसरी अलग अलग चीजें जैसे कि मिनी पीसीआई स्लॉट का मैंने स्टोर कर लिया फिर मुझे इसका जैसा दूसरा कोई बोर्ड आता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यही समझना है ना कि कौन से पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है तो पॉइंट का प्रॉब्लम आ रहा है यानी कि वो सीधा ही कनेक्टेड है इसके साथ कुछ मैंने केस स्टडी बनाए हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ ओके अरविंदर जी अभी हमारा आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया हाँ जी हाँ बहुत थैंक्स फॉर दैट और उसके अंदर हाँ सर अभी आपने बताया तो इसमें तीन प्रॉब है बराबर है अब तीन प्रॉब में एक ग्राउंड है और दो प्रॉब जो है वो एनालॉग के लिए है तो दो प्रॉब से ही हमको एनालाइज करना है ना हाँ दो प्रॉब से एनालाइज करना है बोर्ड को कंपेयर करना है हाँ एक क्लिप जो है वो तो ग्राउंड में चली जाएगी हाँ एक ग्राउंड में जाएगी मतलब वन टाइप ऑफ ऑसिलोस्कोप हाँ ये तो ग्राउंड में चली जाएगी और उसके हाँ, बाद में आपको बाकी के जो दो प्रॉब है एज पर योर एप्लीकेशन यू कैन यूज बोथ प्रॉब और सिंगल प्रॉब ठीक है सर समझ गया जिसके अंदर इस तरह से होगा कि आप अगर आप कंपेरिजन करते हो तो आपको दो प्रॉब की जरूरत पड़ेगी जी आप दो बोर्ड को यूज करते हो यानी कि एक ओके बोर्ड में लगाऊंगा लाल प्रॉब से मैं चेक करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके पास में एक N5010 का बोर्ड है सबका फेवरेट है वो बोर्ड तो मैं उसी के बारे में बताता हूँ N5010 का बोर्ड है उसकी TPS 51125 IC को आपको चेक करना है और उस एक आपके पास में ओके बोर्ड है उसमें 3 वोल्ट 5 वोल्ट सही तरीके से बन रहे हैं तो आप पिन नंबर 1 TPS 51125 की लगाओ पिन नंबर 1 पे और ये बिगड़ा हुआ बोर्ड आपके पास में एक खराब बोर्ड है जिसके अंदर टीपीएस अपनी 51125 को चेक करना है तो इस दूसरे प्रॉप से आपको उसकी दूसरी पिन नंबर 1 पे टच करना है दोनों का सिग्नेचर हाँ दोनों का सिग्नेचर सेम आएगा तो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा हारमनीज में यानी कि 0% कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर आपकी 2 नंबर की पिन खराब है तो उसका आपको एक बैड साउंड आएगा और उसके अंदर डिसहार्मनी करके लिख के आएगा और उसका ग्राफ भी पूरा अलग होगा वो बता देगा कि आपकी 1 नंबर पे ऐसा ग्राफ है और 2 नंबर पे ऐसा ग्राफ है अंडरस्टैंड जी दूसरा उसका पर्पज कि अगर आपने इस रेड प्रॉप से एक डेटा मेमोराइज कर लिया मेमोराइज करने के लिए इसके अंदर एक ऑप्शन है आपको क्या करना है उस TPS 51125 का फोटो ले लेना है और फोटो लेके प्रॉप को टच करते जाओ और फोटो के ऊपर सिलेक्ट करते करते उसका मेमोराइज डेटा आप बना सकते हो फिर आप जी उस डेटा को लेके बैठे रहो आपके पास में जब भी कोई दूसरा बोर्ड आता है आपको इस ब्लू प्रॉप से वो मेमोराइज डेटा से आप कंपेयर कर पाओगे उसका प्रैक्टिकल अभी आप लोगों को दिखना सेव कर सकते हाँ रेड से सेव करना है ग्रीन से आप उसको कंपेयर कर पाओगे जी राइट आपका आंसर हो गया क्लियर मैं म्यूट कर रहा हूँ ओके हेलो कौन सत्रिनाम यस अरुण तिरंगपुर 2 मिनट अरुण अरुण कुमार अभी वेटिंग में है
फिर बाद में तुम्हारा मैं पूछ लेता हूँ। ओके अरुण कुमार बोलो। सर अगर आपने बताया कि अगर सर कोई आईसी का पिन इनपुट है तो उसका जो डायोड का कनेक्शन है वो इनसाइड रहेगा, मतलब कि फॉरवर्ड टू रिवर्स रहेगा। अगर किसी का आउटपुट है तो वो फॉरवर्ड टू रिवर्स है, बाहर से मतलब बाहर से अंदर जा रहा है और अंदर से बाहर आ रहा है। लेकिन अगर इनपुट आउटपुट दोनों पिन है तो वो कैसे हम लोग पहचाने? उसके लिए भी मैंने बोला, उसके लिए मैंने बोला वहाँ पे दो डायोड होंगे, एक इनपुट का एक आउटपुट का। तो सर ग्राफ कैसा रहेगा? दो डायोड का बनेगा ना, दो डायोड का बनेगा। आप सर ग्राफ तो ग्राफ सारा दिखा तो अच्छा। अभी सॉफ्टवेयर चालू ही कहाँ किया है, सॉफ्टवेयर तो अभी चालू करना है ना, ग्राफ दिखाना प्रैक्टिकल तो बाकी है। राइट वो तो हमारा अभी प्रैक्टिकल जब हम लाइव करेंगे उसके ऊपर आएगा। और सर दूसरी बात सर, इसमें जो आपके पास पड़ा मशीन सर, इसके अंदर हम लोग कितने लैपटॉप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? अनलिमिटेड, जितनी आपकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क हो उतना। अगर नहीं है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करो, अगर वो भी नहीं है तो गूगल का पूरा सर्वर ले लो, चाहे जितना करना है कर लो। राइट ओके ट्रिंकुर क्या पूछ रहे थे? हेलो सर। हाँ सर, अगर ये मॉसफेट डायोड ये सब आईजीबीटी हम लोग को चेक करना है तब सभी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा? जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा ये एन चैनल का मॉसफेट है, पी चैनल का मॉसफेट है, एनपीएन है, पीएनपी है, वो वही बताएगा। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर लिख के ही देगा आपको। ओके अच्छा ओके थैंक यू सर। रदीम शेख बात कर रहा हूँ। ओके सर, टीपीएस 5125 अगर कोई एचपी के लैपटॉप में मेरे पास लगी हुई है और मैंने उसका डाटा स्टोर किया है, बाद में मेरे पास किसी डेल का मदरबोर्ड आता है जिसमें टीपीएस 5125 लगी हुई है, वेरी गुड क्या उसका कंपैरिजन में कर सकता हूँ? समझ गया, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। नहीं देखो, इसके अंदर इस तरह से है कि कंपैरिजन तो कर सकते हो, लेकिन टीपीएस 5125 की एक स्टैंडर्ड सर्किट है, कंपनी ने उसको बना के दी है कि आपको 5 वोल्ट की जो VREG5 के ऊपर यही TF लगाना है, VREG3 पे यही TF लगाना है, लेकिन मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो शायद आपको सेम डेटा मैच ना करे लेकिन सिमिलर डेटा शायद आ सकता है। उसका एक दूसरा भी तरीका है, एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप TPS 5125 को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के आप उसका डेटा परमानेंट स्टोर कर लो, ऐसे स्टोर कहीं ना कहीं चिपका दो और इसका डेटा बना लो। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर, तो इस तरह से हो जाएगा। दो दूसरी चीज ये है 5125, अभी मैंने 5151 समझो कि सबसे ज्यादा हमारी हॉट आईसी तो वही है 5125 की, तो उसके अंदर उसके किस लेख के अंदर कौन सा किस तरह का आपको दिखना चाहिए वो आपको मैं भी आपको प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। राइट ओके थैंक्स। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है या फिर सेशन में आगे बढ़े? सेशन आगे बढ़ाने के लिए मुझे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, 15 मिनट के बाद में सब लोग वापस आ सकते हैं। सर सर वीडियो अगर आप स्मॉल स्क्रीन रखते हैं ना तो एकदम क्लियर आता है, लेकिन फुल स्क्रीन में एकदम रुक रुक के आता है। वो बड़ा देखना था अभी बीच में, इसलिए नो प्रॉब्लम, अभी देखिए एकदम क्लियर आ रहा है। अभी मैंने थोड़ा बड़ा किया वीडियो, ये सही आ रहा है? जी सर ये ठीक है। हाँ इसमें लैग कम है पहले से। ओके वेरी गुड थैंक्स। और ये किसी के वहाँ पे कोई फेरी वाला आया है, कुछ लेना है तो ले लो, आवाज आ रही है पीछे से। हेलो सर। हेलो सर, इसमें ये अभी जो आपका जो आपने जो ये डिवाइस का बताया है वो अभी ये डिवाइस अपने ऑसिलोस्कोप से बेटर है वो है? दोनों कंसेप्ट अलग है ध्रुव, ऑसिलोस्कोप और ये डिवाइस दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है और दोनों चीजें ही अलग है। ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं, और ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है कि जो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही पीसीबी को टेस्ट कर सकता है।
विदाउट वोल्टेज, विदाउट वोल्टेज दूसरी चीज है। ये डिवाइस जो काम करता है ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। इसको वीआई कर टेस्टिंग बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो समझो कि हैवी ड्यूटी टूल आते हैं एबीआई कंपनी के, यस ब्रो, हाँ यस, ऐसे भी डिवाइस आते हैं एबीआई कंपनी के जो है, राइट, इन सभी को कर टेस्टर मशीन ही बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर फीचर्स इतने ज्यादा है और इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है। यहाँ पे हम कॉस्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, कॉस्टिंग के लिए या फिर इसका प्राइस क्या है ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं करेगा, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके मेल के अंदर। तो यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑसिलोस्कोप से ये पूरी चीज डिफरेंट है। ऑसिलोस्कोप में हम लोग लाइव वोल्टेज चेक करेंगे, जबकि इसके अंदर हमें लाइव वोल्टेज नहीं आएंगे। मैं ध्रुव थोड़ी देर के लिए तुम्हारा माइक क्लोज करता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है, अगर पूछना है कुछ तो फिर बाद में अनम्यूट कर लेना। ओके, तो अभी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, तो यहाँ पे इस डिवाइस के द्वारा हम लोग ऑफलाइन टेस्टिंग करते हैं और ये पूरा सेफ है। सबसे पहली बात, ये पूरा सेफ है, आपको किसी भी पीसी के बारे में मालूम नहीं है, उसकी आईसी का कैरेक्टर आपको मालूम नहीं है, वो आईसी क्या काम करती है वो मालूम नहीं है, तो इस डिवाइस के द्वारा आप वो सब चीजें कर सकते हो। और लैपटॉप के लिए मैंने बहुत सारी थियरी और बहुत सारे प्रैक्टिकल इसके अंदर बनाए हैं जो आपके लिए इजी बन जाएंगे अगर आपको लैपटॉप के अंदर काम करना है तो। लेकिन अदर डिवाइसेस जैसे कि आपके पास में कोई फ्रिज टीवी एसी वाला है, उसकी इन्वर्टर सर्किट है, का बिजनेस बहुत लंबा है, अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, और डीवीआर का है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कोई भी फील्ड होगा, ईसीयू अपना ईसीएम है जो कार का, उसके अंदर भी ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे आप सभी अपने अपने फील्ड के अंदर इस डिवाइस का यूज कर सकते हो। ऑसिलोस्कोप पूरी अलग चीज रहेगी और ये भी पूरी अलग चीज रहेगी, राइट ड्रो? तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके सर। हेलो, यस रणधीर। हाँ सर, बोल रहे कि एक मदरबोर्ड में दो आईसी लगा हुआ है मान लीजिए, और एक आईसी से आउटपुट हो रहा है, दूसरा आईसी से इनपुट हो रहा है, तो उस जगह पे अगर इसको चेक करने जाएंगे तो कौन सा साइड का फिर आईसी ये हिट करेगा? इनपुट आउटपुट का तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे दो आईसी लगी है तो आपको इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए ये डिवाइस नहीं यूज करना है। अच्छा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस आईसी का कैरेक्टर देखने के लिए, यानी कि पिन नंबर वन और पिन नंबर वन, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेता हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है ये पूरा डेस्कटॉप का बोर्ड, सभी ने क्लास अटेंड किया है, राइट? इसके अंदर आपको ड्राइवर आईसी मिलती है ना, तीन, एक ड्राइवर मेरी यहाँ पे है, दूसरा एक पैकेज है तो उसकी भी एक ड्राइवर होगी, सॉरी इस तरफ पे, इसका भी एक तीसरा भी एक पैकेज होगा, तीनों ड्राइवर, यानी कि यहाँ पे पैकेज कितने हैं, आपको सिखाया क्या है मैंने, चार लाइन फिल्टर है तो चार का पैकेज है, तो आपको ड्राइवर आईसी कितनी मिलेगी, चार अगर है तो, राइट? तो मैं इसमें यह कर सकता हूं कि मेरी ये ड्राइवर, अगर एक पर्टिकुलर एक ड्राइवर मेरी खराब है तो होता क्या है, पता है ना वो क्या होता है, एक ड्राइवर खराब है तो एक मॉस्फेट बार बार उड़ाती रहती है इसका, राइट? तो हमारे पास में जब वीआरएम का प्रॉब्लम आता है तो वीआरएम के प्रॉब्लम के अंदर हम लोग मॉस्फेट खराब हुआ है, मॉस्फेट बदला, लेकिन फिर हमें मॉस्फेट की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर ये मॉस्फेट में डाल रहा हूं और ये मॉस्फेट फिर वापस उड़ गया तो मुझे ड्राइवर भी बदलनी पड़ेगी। आप इस तरह से चलते थे ना अब तक? हाँ। लेकिन इस डिवाइस के अंदर वो पूरा क्लियर हो गया। कैसे? आपको करना क्या है, आपको उस मॉस्फेट का बलिदान वापस देने की जरूरत नहीं है। इस ड्राइवर की एक नंबर की पिन और इस ड्राइवर की एक नंबर की पिन, दोनों का डेटा सेम दिखना चाहिए, दो नंबर की पिन का डेटा सेम दिखना चाहिए, तीन नंबर की पिन का डेटा सेम दिखना चाहिए, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर क्या है वो मैंने आपको अपने जो पार्ट टू में अच्छी तरीके से समझाया है कि वीआरएम सर्किट का बेसिक कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है और उसकी सर्किट कैसे बनी है। तो ये लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ये लॉजिक मैं दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सर्किट कैसे बनी है वो मुझे मालूम है और आप सब लोगों को भी मालूम है, तो मैंने यहाँ पे ये लॉजिक दोहराया। तो अभी मुझे इस मॉस्फेट की कुर्बानी वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं
इस आईसी को बदलूंगा और उसके साथ में फिर वो मॉस्फेट फिर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मॉस्फेट चलेगा, क्लियर। तो ये कंसेप्ट हम इस तरह से लेंगे और अभी प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, अभी और किसी को कोई क्वेश्चन? 5125 का जो डेटा है, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है प्रदीप। सर वीआर आईसी जो 5125 का जो डेटा है जो आपने सेव करके रखा है इनकेस, और मेरे पास में अगर वो सेम बोर्ड आता है और मेरे पास में डेटा नहीं है तो वो आपका डेटा यूज कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, एब्सोल्युटली कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने बायोस हंगर बनाया, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। हाँ वही ना, हाँ हम बायोस शेयरिंग करते थे। अभी अगर समझो आपके पास में डिवाइस है तो हम डेटा शेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, और दूसरा राइट ये कि नाम की तरह ही काम करता है सर। सॉरी, ये डिवाइस जो है इसका जो नाम की तरह ही काम करता है शायद। नाम की तरह काम मीन्स फाड़ूस कर दिया, फाड़ू कर दिया। सही ना? यस मोहम्मद। हेलो सर। मोहम्मद एंड माज, हाँ कौन सर? महमूद है सर। अरे हाँ बोलो महमूद। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर, बड़ी इन्फॉर्मेटिव आज कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है सर पहली। थैंक यू सर। थैंक्स सर। अभी पूछना ये है थोड़ा सा कि ये सिर्फ हमें उसी सूरत डिवाइस हमें काम करेगी कि जब हमारे पास दो बोर्डों का डाटा या दो आईसीओ का डाटा या दो कंपोनेंट का डाटा, हमारे पास एक पहले से ओके वाला डाटा होना चाहिए और फिर उसको हम यूज करेंगे जो हमने टेस्टिंग वाला मदरबोर्ड है या आईसीओ या कंपोनेंट है। राइट, सही है। इसके अंदर इस तरह से है कि महमूद, पहले तो मैं तुम्हारा ये क्लैरिफाई कर लूं कि वो एक हमारे पास में ऑप्शन है। हमारे पास में समझो कि एक एग्जांपल में देता हूं, आपके पास में कोई एक कंपनी आती है और वो कंपनी कहती है कि हमारे पास में एक तरह के कार्ड आते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जेबरा का 330L का एक प्रिंटर है जो अहमदाबाद की एक कंपनी है जिसके पास में वो प्रिंटर कम से कम 600-700 है, और वो उनका प्रिंटरों का कार्ड जो होता है ना वो एक अलग ही कार्ड है, वो यूके बेस्ड की कंपनी है, 50,000 का कार्ड आता है। वो कंपनी मुझे देती है वो कार्ड रिपेयर करने के लिए। मैंने एक ओके कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है और मैं उसके हर महीने कम से कम 8-10 कार्ड रिपेयर करता हूँ। तो अगर मेरे पास में ऐसी कोई यूनिक प्रोडक्ट आ जाती है, कोई भी पीसीबी, अभी वो प्रिंटर में लग के कैसे काम करेगा, उसकी रिबन कैसे काम करेगी, वो सब चीजें मुझे नहीं जाननी। वो एक कार्ड प्रिंटर है, कार्ड प्रिंटर यानी कि जो आईडी कार्ड आता है ना उसका एक प्रिंटर है, तो वो कैसे काम करेगा मुझे नहीं जानना है। मुझे करना क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस एक ओके वाला जो प्रिंटर का बोर्ड है उसका डेटा मुझे मेमोराइज करके मुझे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे उसके ऊपर काम कर लेना है। राइट, फिर मुझे अगर समझो उसके अंदर एक यूएसबी की आईसी है, उसकी आईसी को ही मुझे पर्टिकुलर चेक करना है, तो मेमोराइज डेटा में हमें सिलेक्शन मिलता है। हम एक बोर्ड के 999 फोटोज सेव कर सकते हैं। अगर समझो 999 खत्म हो गए, उसके बाद में दूसरा फोल्डर बना दो और उसके बाद में दूसरे फोटो सेव करो, तो एक बोर्ड का मैं 999 टेस्ट पॉइंट इस सॉफ्टवेयर के द्वारा बना सकता हूं। क्लियर। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास में ऐसा बोर्ड नहीं है, तो जो तुमने अभी क्वेश्चन किया कि हमारे पास में ऐसा बोर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, तो उस समय में मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट और फंडामेंटल एक बार फिर से ध्यान में ले लो। जो भी चाहेगा उसको मैं रीएक्टिवेट करवा दूंगा काउंटर, उसके वही फंडामेंटल यहां पे काम में लगेंगे। आपको जो मैंने प्रैक्टिकली डायोड कैपेसिटर रजिस्टर ऑसिलोस्कोप से चेक करके और वो कैसे कैसे फंक्शन करता है वो सब चीजें जो मैंने बताई है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड रखना है तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हो कि यहाँ पे ये फॉल्ट होगा या फिर यहाँ पे ये फॉल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। राइट राइट सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया। और कोई है जिसको कोई क्वेश्चन करना हो? सर एक प्रवीण जी का क्वेश्चन है, हाउ टू स्टोर डेटा टू दिस मशीन, ऐसा लिखा है।
this machine is not store any type of data, but we are stored data in our computer. वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है. और ये कैसे होगा उसका प्रैक्टिकल सेशन तो चलाना है. ओके सर. अभी तक मैंने जो भी डेमो यानी इन द सेंस मैंने इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी किसके अंदर ऐसे ऐसे सिग्नेचर आएंगे, ये आएगा वो आएगा, मैं उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन की आशा रखता हूँ. अभी जो चीज नहीं आई है वो आप देखेंगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा. तो मैं यहाँ पे इस मीटिंग को थोड़ा क्लोज कर सकता हूँ क्या 15 मिनट के लिए? मैं ब्रेक ले लूँ और 15 मिनट के बाद में हम अपना सेटअप वापस लगा देते हैं. यस सर, श्योर सर, ब्रेक. हाँ सर, आप कर दीजिए. फिर आप चाहिए तो माइक बंद कर दीजिएगा, तो ये स्क्रीन दिखेगा तो एटलीस्ट सब लोग को लगेगा चालू है. नहीं, वो मैं एक काम करता हूँ, मैं वो रिकॉर्डिंग वाला जो है ना एक बार पहले वो ले लेता हूँ, क्योंकि वो 1 GB का देता है ना. ठीक है सर. 12:36 हो रहे हैं सर, कितने बजे ऑनलाइन होना है ये बता देते. हाँ श्योर, अभी 12:36 हुए हैं, 40 मिनट ही गिन लो. अभी हम लोग 1 बजे शार्प 1 PM हम लोग वापस इकट्ठा होते हैं. ओके 1 PM. ओके 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 सर. ओके ओके बाय. थैंक यू.